झांसी में आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दबंग पक्ष के लोगों ने एक पक्ष के करीब 5 लोगों को घायल कर दिया। घटना की सूचना थाने में दी गई, लेकिन कार्रवाई ना होने पर पीड़ित पक्ष ने इस मामले को लेकर आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की शरण लेते हुए कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खाती बाबा में रहने वाले पीड़ित पक्ष ने SSP को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि मंदिर की छत को लेकर बातचीत हो रही थी, इसी दौरान उसके भाइयों की कुछ लोगों से कहा सुनी हो गई, जिस पर दबंग पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने उसके दोनों भाइयों पर लाठियों से हमला करना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर जब वह अपने अन्य दो भाइयों के साथ मौके पर पहुंचे तो हमलावरों ने उन पर भी हमला किया, जिससे पांचों भाइयों के सिर फट गए। घटना की रिपोर्ट उन्होंने थाने में दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित पक्ष का कहना है कि हमलावरों द्वारा अब उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। प्रार्थना पत्र में पीड़ित पक्ष ने अपनी जान को खतरा बताते हुए आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई कर गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। हम लोग स्टेशन में थे, वहाँ फोन आया तो हम बचाव के लिए गए, हम आमने सामने बात कर रहे, सब पीछे से ही ने वार कर दिया हमारे। थाने गए, थाने वालों ने भी ये रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है। सब पुरानी रंजित है क्या? नहीं, ये मंदिर के मामले में हुआ। क्या मामला है? मंदिर ये पूजा पाठ के लिए गए थे, मंदिर के बारे में गए थे। क्या नाम है? मेरा नाम विकेश है और मैं खाती बाबा का निवासी हूँ, और ITI में खालसा स्कूल के पास हम लोग का मंदिर है शीतला माता का, वहाँ पूजन करने के जाते हैं हम लोग, तो वहाँ हम लोग पूजन के लिए गए थे, और वहाँ पे हम लोग पापा और ताऊ की टिकट था उसी तारीख का गुजरात का, तो उनको छोड़ने गए थे, तो चाचा और ताऊ का लड़का वहीं रह गए थे, तो उन लोगों संग में कुछ कहा सुनी में वहीं के निवासी ने मिलके हम लोग उन लोगों पे हमला किया, और लोगों के घर में छुपे थे वो, उनसे निकाल निकाल के उनके घर में तोड़फोड़ भी की और उनको निकाल निकाल के मारा गया, और हम लोगों पर खबर आई कि आप लोग आइए बचाइए, नहीं तो इन लोगों को जान से मार देंगे। हम लोग उसी टाइम तुरंत निकले घर से लिए, और मेरा छोटा भाई महेंद्र तीनों बचाव के लिए गए वहाँ पे, तो उन लोगों ने हम लोगों को 35-40 लोगों ने मिलके घेर के और पीछे से धारदार हथियार से वार किया, डंडे लाठी गुम्मे जो आया उन लोगों पर चला रहे थे। जी थाने गए थे, थाने हम लोग की रिपोर्ट लिखी उनने, और आज 8-8, 10-10 दिनों के भैया अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आज हम कप्तान साहब के यहाँ आए थे तो कप्तान साहब ने कहा कि आप लोग जाइए, हमने फ़ोन कर दिया, आपकी कार्रवाई होगी। झांसी से मोहम्मद साहब के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।